हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल होंडा हॉर्नेट 2.0 सिंगल मॉडल एंड चार कलर ऑप्शन के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। आज के इस वीडियो में मैट एक्सिस ग्रे कलर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है एंड इस बाइक के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सिंगल चैनल ABS आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1,65,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की की से। तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की मिल जाती है। की के ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। चलिए करते हैं इसके इग्निशन को ऑन। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो LED लाइट देखने को मिलती है, लाइट ये ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो बड़ी LED हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। तो फुली LED हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इसके ऊपर की तरफ आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है। LED इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के नॉन फ्लेक्सीबल। इस बाइक के अंदर आपको सिंपल से मिरर देखने को मिलते हैं जो कि आपको ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको गोल्डन कलर के सस्पेंशन मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन USD फोर्क सस्पेंशन, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी प्यारा निकल कर आता है। इसके फेंडर के ऊपर आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं जो नाइट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको 276 mm की डिस्क मिल जाती है। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील के ऊपर आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं ग्रे कलर के। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 110/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि आपको 3D क्रोम में मिलने वाली है कुछ इस तरह की। नीचे की तरफ आपको 2.0 की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड इसके टैंक के ऊपर आपको हॉर्नेट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। एंड ये बाइक आपको मैट कलर फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। E20 का भी अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड E20 का भी अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इस बाइक के अंदर आपको 184 cc का एयरकूल इंजन मिल जाता है जो 17.3 BHP की पावर जनरेट करता है, जो 15.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 5-speed गियरबॉक्स मिल जाते हैं। इस बाइक के माइलेज की बात करते हैं, बाइक आपको 45 km तक का माइलेज इजीली निकाल कर देती है। इस बाइक के कर्बेट की बात करते हैं, 141 kg का कर्बेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है एंड इस बाइक के अंदर आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 790 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। स्प्लिट सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। तो 160 cc सेगमेंट के अंदर फुली लोडेड आपको ये बाइक मिल जाती है। इसके रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुट रेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपको एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं। इसके रियर प्रोफाइल के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि आपको रेड कलर फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं। टायर अगर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, इसके रियर प्रोफाइल के अंदर आपको 220 mm की डिस्क मिल जाती है। इसके इस बाइक के अलॉय के ऊपर आपको ग्रे कलर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 140/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। तो काफी वाइड टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल की। इसके रियर में आपको 2-piece ग्रेवल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के। इसके रियर में आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है स्टिकर के फॉर्म में। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर LED इंडिकेटर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको RPM ग्राफ, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपन ट्रिप टू डिजिटल क्लॉक, न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, ABS लाइट, साइड स्टैंड, इंजन का टॉप जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 130 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। सिंगल हॉर्न आपको इस बाइक के अंदर सुनने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल जाता है। कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता था। दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल होंडा हॉर्नेट 2.0 मैट एक्सिस ग्रे कलर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।